अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। रोशन हो चुकी है, इस्तकबाल भी हो चुका है और आप लोग जलवा फरोज हैं, तमाम शोरा आ चुके हैं। मैं बहुत यकीन और ईमानदारी के साथ, इस दावे के साथ इस बात को पेश कर सकता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में जो बुनियादी काम किए हैं हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम नेहरू गांधी साहब ने, जो बुनियादी काम किए, लाल किले का मुशायरा की शुरुआत उन्होंने की और उसके बदल में गेटवे ऑफ इंडिया के मुशायरे की बुनियाद नसीम खान साहब ने रखी। आज चांदी वाली स्टूडियो में पहली बार जिसने हिंदुस्तान का यह मुशायरा है। गालिब साहब ने बताया कि जो छोटे हॉस्पिटल थे आज बड़े हॉस्पिटल हो चुके हैं, जो छोटे स्कूल थे वो कॉलेज हो चुके हैं, आज तमाम मस्जिदें हमारी आबाद हो चुकी हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में जो हालात 3-4 दिन पहले थे पूरे पुरसुकून के साथ चांदीवली में वो रहे। आइए हम मुशायरे को बाकायदा शुरू करें। नसीम खान साहब के बारे में बहुत सारी बातें होती रहेंगी क्योंकि एक लम्हा या एक रात या एक शाम नसीम खान साहब के लिए महदूद हो नहीं सकती। हजारों लाखें शामें भी उनसे मंसूब कर दी जाएं तो यकीनी तौर से कम होंगी। आप इस्तकबाल करें। आइए मैं गुजारिश करता हूँ इस जश्न हिंदुस्तान में और चार चांद लगाने के लिए इमरान गोंडवी साहब से। इमरान गोंडवी साहब आए, अपने कलाम से नवाजे, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। इमरान गोंडवी साहब। हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस यौमे आज़ादी के पुरहसीन मौके पर सब लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और अपने उस कायद को, उस रहबर को, उस मोहसिन को जिसे फरामोश करके भी कोई फरामोश नहीं कर पाएगा, करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। मेरी मुराद आली जनाब इज़्ज़त माब आरी मोहम्मद नसीम खान साहब हैं, उन्हीं के पहलू में बैठे हुए निसाद खान साहब, अब्दुल रहीम भाई मोटर वाला, तमाम दीगर हजरात और हमारे शरीफ खान साहब। मैं इन्हीं सब के हवाले से चार मिसरे आप हजरात के हुजूर में पेश कर रहा हूं और ख़ास तौर से ये मैं चार मिसरे जो पढ़ रहा हूं आरी मोहम्मद नसीम खान साहब के हवाले से, क्योंकि ये जो उनका जज्बा है और जो बेदारी उनके अंदर अल्लाह ने पैदा की है तो वाकई काबिले सताइश है, काबिले मुबारकबाद है। क्योंकि ऐसे ही अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो चार पैदा हो जाते तो क्या क्या कहना था, आज हमारा मुकद्दर, हमारा दिन कुछ और ही होता। मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। मैं कि कोई तारीख बने ऐसी कयादत करना, कोई तारीख बने ऐसी कयादत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना। ओ मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, जान दे कर भी तिरंगे की हिफाजत करना, जान दे कर भी तिरंगे की हिफाजत करना। और ये विचार मैं अपने बड़े भाई नजर बिजनौरी साहब को मुखातिब करते हुए पेश कर रहा हूँ कि मैं सूर जैसे शेर सा किरदार चाहिए, मैं सूर जैसे शेर सा किरदार चाहिए,
और अब्दुल हमीद जैसा वफादार चाहिए, और बापू के कातिलों को तो फांसी दिला सके, बापू के कातिलों को तो फांसी दिला सके, हिंदुस्तान में वही सरकार चाहिए, हिंदुस्तान में वही सरकार चाहिए। मैसूर जैसे शेर सा किरदार चाहिए। दोस्तों आज जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, आप हजरात से पोशीदा नहीं हैं, मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूं। राजा फरमाए कि मुल्क के हालात बदतर हो गए, मुल्क के हालात बदतर हो गए, ये न पूछो हमसे क्यों कर हो गए, अरे भूख से मर जाएगी इंसानियत, भूख से मर जाएगी इंसानियत, जो मुहाफिज थे सितमगर हो गए, जो मुहाफिज थे सितमगर हो गए, और बिकने वाले जितने थे वो बिक गए, बिकने वाले जितने थे वो बिक गए, लग गए साहेब के सब प्रचार में, अरे चंद दिन ठहरो पता चल जाएगा, चंद दिन ठहरो पता चल जाएगा, कितने घोटाले हुए सरकार में, कितने घोटाले हुए सरकार में। जी चार मिसरे और मैं पढ़ करके मैं एक नज्म मुकम्मल पेश करूंगा। राजा फरमाए अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, जो भी हुआ नुकसान हमारा लौटा दो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे, ऐसा हिंदुस्तान हमारा लौटा दो, ऐसा हिंदुस्तान हमारा लौटा दो। एक नज्म छोटी सी है, मुलाजा फरमाए उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत की शान हूँ, उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत की शान हूँ, दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ, उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत की शान हूँ, दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ, दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ, और आगोश में हिमालय की तस्वीर देख लो, आगोश में हिमालय की तस्वीर देख लो, जन्नत दिखाई देता है कश्मीर देख लो, गंगा है मेरी गोद में,
हिंदुस्तान हूँ, दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। और ये आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, है मेरी फिक्र टीपू की तलवार की तरह, है मेरी फिक्र टीपू की तलवार की तरह, और साथ दी है बापू के किरदार की तरह, और साथ दी है बापू के किरदार की तरह, आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का मैं एक जवान हूँ, दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ, दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान।